मैं अरविंद सिंह दुर्गापुर से हम लोग आए हुए हैं। हमारे साथ आज 50-60 लोग आए हुए हैं, जिसकी जानकारी हमने माननीय सरना जी को दी है और उनको उनके सुपुर्द हमने सारे पेपर उनके सामने प्रेजेंट किए हैं। जो भी हमारे साथ आप बीती हुई है, हमने उसके बारे में उनको अवगत कराया है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मेरा नाम अरविंद सिंह है और मैं दुर्गापुर का रहने वाला हूँ। मैं पूरी साध संगत को, जो कि ग्राम दुर्गापुर के गुरुद्वारे के विषय में है, उसके बारे में सारी संगत को अवगत कराना चाहता हूँ। जब दुर्गापुर गांव बसा था आज़ादी के बाद, तभी से एक दुर्गापुर गांव में एक गुरुद्वारा था। गुरुद्वारे का नाम था गुरुद्वारा सिंह सभा, जो कि बहुत अच्छी तरह से चल रहा था। जो हमारे गांव वहाँ के बुज़ुर्ग थे, वो बड़े प्यार से रहते थे और वहाँ पर जो भी प्रोग्राम समागम होते थे, बड़े प्यार से करते थे। लेकिन 2004 में हमारे गांव के एक व्यक्ति ज्ञानी सुंदर सिंह ने कुछ लोगों के साथ मिलकर उस गुरुद्वारे का नाम चेंज करके माननीय रजिस्ट्रार के पास उसका रजिस्ट्रेशन करवाया। रजिस्ट्रेशन का जो करवाया, उसका नाम था गुरुद्वारा संत भाई हिम्मत सिंह जी दरबार प्रबंध समिति ग्राम सभा दुर्गापुर, जिसमें जो कमेटी उस सोसाइटी के जो सदस्य थे, वो उन्हीं के घर के 5 सदस्य थे। उसकी लिस्ट मेरे पास लगी हुई है, जिसको अगर किसी को इस विषय में कोई जानकारी चाहिए या कोई पत्र चाहिए, वो हम उसको प्रोवाइड करा सकते हैं। इस विषय में जब गांव वालों को पता लगा, तो गांव वालों ने बहुत रोष व्यक्त किया और इस रोष व्यक्त की जानकारी वहां के प्रशासन तक पहुंची, वहां के एसडीएम साहब तक पहुंची। वहां पर उस टाइम जो भी एसडीएम साहब थे, उन्होंने इस पर कार्रवाई करते हुए गांव में एक मीटिंग बुलाकर उस कमेटी को भंग करके नई कमेटी बनाने के लिए एक लेटर माननीय रजिस्ट्रार साहब को लिखा। उस लेटर को रिसीव करने के बाद माननीय रजिस्ट्रार साहब ने एक पत्र ज्ञानी सुंदर सिंह, जो कि जिन्होंने उस सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करवाया था उस टाइम, उनके पास ये लेटर भेजा और उनको बोला कि जो आपकी कमेटी, जो 5 सदस्यों की जो थी, उसको मैं निरस्त कर रहा हूँ और आप दोबारा इस सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन करा कर और जो भी सदस्य हैं, उनके जो भी पत्र हैं या जो भी प्रूफ हैं या जो डॉक्यूमेंट हैं, माननीय एसडीएम साहब से सत्यापित कराकर उसको रजिस्ट्रार साहब के पास सबमिट करके इस रजिस्ट्रेशन को रिन्यूअल कराया जाए। लेकिन वहाँ पर भी उन लोगों ने अपनी मनमानी करते हुए अपने ही लोगों में 21 मेंबरी कमेटी बनाकर, बिना एसडीएम साहब के द्वारा सत्यापित कराकर, उसके पेपर माननीय उप रजिस्ट्रार साहब के पास जमा कराए, लेकिन वो कहीं भी रिकॉर्ड में नहीं पाए जाते। उसके जो 21 मेंबर थे, उसके अंदर 8 से 10 लोगों ने एक शपथ पत्र दिया कि हमारे से तो पूछा ही नहीं गया कि हम मेंबर है बनने के लायक, हम बनना चाहते हैं कि नहीं चाहते। उसके शपथ पत्र भी हमारे पास पड़े हुए हैं। उसके बाद क्या हुआ कि गांव में एक ये मैटर चलता रहा। 2008-09 में गांव वालों ने आपस में बात करते हुए कमेटी का गठन किया और ज्ञानी हरनाम सिंह, उस टाइम जो कि हेड ग्रंथी गुरुद्वारा बंगला साहब में ड्यूटी करते थे, उन्होंने बोला कि 1 साल के लिए मेरे को प्रधान नियुक्त कर दिया जाए। मैं जो भी कानूनी कार्रवाई है, जो भी रजिस्ट्रार के पास रिन्यूअल कराना है, जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज है, मैं सारी पूरी करूंगा और सारी जानकारी मैं साध संगत को देता रहूंगा। लेकिन उन्होंने हमेशा ही साध संगत को गुमराह किया है। जब हमने इसकी 2009 से 2022 में, जब हमने उनको बोला कि कमेटी को चेंज किया जाए, ये कमेटी बहुत दिनों से चल रही, तब तक संगत को ये नहीं पता था कि जो कमेटी चल रही है, उसका रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार के पास तो है ही नहीं। जब हम रजिस्ट्रार के पास इसकी जानकारी लेने के लिए गए, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर तो हरनाम सिंह के नाम से रजिस्टर्ड ही नहीं है, ना ही कोई जो कमेटी प्रेजेंटली काम कर रही है, उनका वहाँ नाम ही नहीं है। तो हमने हरनाम सिंह को बोला कि आप दोबारा चुनाव करा के इसका प्रॉपर तरीके से रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल करा के जो भी फॉर्मेलिटीज है, आप पूरी करी जाए। हमने 22 मई 2023 को उनको एक पत्र लिखा, जिसके अंदर हमने उनको पूरी जानकारी दी कि एक सोसाइटी अगर रजिस्टर्ड होती है, तो उसकी क्या क्या लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, क्या क्या होता है, आप करिए। लेकिन उन्होंने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया।
अपितु उन्होंने क्या किया कि एक फिर दोबारा एक अपनी कमेटी बनाकर, जिसके अंदर उन्होंने अपने आप को उस गुरुद्वारे का फाउंडर और लाइफ टाइम मेंबरशिप बताते हुए वहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट किए रजिस्ट्रार के पास। लेकिन माननीय रजिस्ट्रार ने जब उन पेपरों की जांच की तो पेपर एज पर लॉ नहीं पाए गए, क्योंकि कभी भी कोई अगर एज पर उत्तराखंड का लॉ है, अगर कोई भी सोसाइटी रिन्यूअल कराई जाती है तो उसके साथ उसकी बैलेंस शीट जमा होती है, उसके बायलॉज के हिसाब से सारा कुछ किया जाता है। लेकिन आपको मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ, 2004 से लेकर आज 2024 24 हो चुकी है, आज तक दुर्गापुर के गुरुद्वारे की कोई बैलेंस शीट नहीं बनी है, ना ही कोई पैन नंबर बना है, ना ही कोई फाइलिंग हुई है, ना ही कुछ हुआ है। जबकि हमने जब पत्रों की सारी जानकारी भी और एक पत्र को दूसरे पत्र से मिलाया तो हमें यह ज्ञात हुआ कि गुरुद्वारे का रजिस्ट्रेशन है गुरुद्वारा संत भाई हिम्मत सिंह जी दरबार प्रबंध समिति ग्राम सभा दुर्गापुर, लेकिन जो गुरुद्वारे की रसीदें कटती हैं उस पे लिखा होता है गुरुद्वारा संत भाई हिम्मत सिंह जी महाराज रजिस्टर्ड ग्राम सभा दुर्गापुर, तो दोनों में मिसमैच पाया गया। उसके बाद जब हमने बैंक की जानकारी चाही तो गुरुद्वारे का जो बैंक अकाउंट है वो तीसरे नाम से खुला हुआ है, गुरुद्वारा संत भाई हिम्मत सिंह दुर्गापुर। बस तीनों में सीक्वेंस, मतलब तीनों के नाम सेम होने चाहिए एज पर लॉ, लेकिन वो है ही नहीं। इसकी जानकारी हमने सारे गांव वालों को दी और उसको उनको रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज ऐसा मत करिए, आप इस जो भी आपने कर रखा है इसको सही तरीके से चलाइए, कमेटी का दोबारा रजिस्ट्रेशन कराइए, इलेक्शन कराइए। लेकिन उन्हें हमारी कोई बात नहीं मानी, हम मजबूर होकर हमने एक रिप्रेजेंटेशन फाइल की अक्टूबर 2029 को, जो कि काशीपुर एसडीएम साहब के पास सारी ये जानकारी लेते हुए हमने उनके पास जमा कराई। एसडीएम साहब ने हमारी बारी पूरी बात सुनी और उन्होंने हमारे गांव में जांच के आदेश दे दिए। वहां पर माननीय पटवारी जी और अन्य जो कि सरकारी अधिकारी थे वहां पर आए, उन्होंने सारे गांव वालों की बात सुनी। सारे गांव वालों ने उन्होंने जब सारे गांव वालों से पूछा कि आप क्या चाहते हैं, उन्होंने बोला कि ये गुरुद्वारा सोसाइटी उप रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड है लेकिन 19 साल से कोई इलेक्शन नहीं हुए हैं, आप सिर्फ इलेक्शन कराकर नई कमेटी का गठन करा दीजिए। तो माननीय पटवारी जी ने वहां पर एक रिपोर्ट बनाई कि ये जो जमीन है, जिस जमीन पर गुरुद्वारा बना हुआ है, जिसके लिए ज्ञानी हरनाम सिंह हमेशा यही दावा करते हैं कि ये जमीन हमारी है, लेकिन गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के अनुसार और खतौनी के अनुसार, मैं खतौनी भी आपको दिखा दूंगा, खतौनी के अनुसार ये जमीन सार्वजनिक है जिसके ऊपर ये गुरुद्वारा बना हुआ है। उसके बाद हमने ये पटिशन, उनने एसडीएम साहब ने बोला कि हम इलेक्शन नहीं करा सकते हैं, आप कृपया करके या तो रजिस्ट्रार के पास रिप्रेजेंटेशन फाइल करिए या आप कोर्ट जाइए। हमने एक रिप्रेजेंटेशन बनाकर एक रिट पटिशन हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट नैनीताल में फाइल की, उन्होंने हमारी पूरी बात सुनी और उन्होंने आदेश दिए कि आप एक रिप्रेजेंटेशन फाइल बनाकर जो भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है उसके पास जमा करिए और विद इन ए 3 मंथ्स वो इस जो भी इशू है इस इशू को क्लोज किया जाए। हमने वो रिप्रेजेंटेशन जो भी रिप्रेजेंटेटिव अथॉरिटी है माननीय डीएम साहब और अन्य अधिकारी उनके पास हमने अपनी रिप्रेजेंटेशन फाइल की, उसके अंदर हमने सारी जानकारी उनको उपलब्ध कराई अलोंग विद द ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड फैक्ट्स। तो उन्होंने हमारी बात सुनते हुए माननीय उप रजिस्ट्रार को लेटर लिखा कि मतलब ये मसला क्या है, उन्होंने बताया कि यहाँ पर ये रजिस्टर्ड है गुरुद्वारा लेकिन कोई कमेटी स्तर नहीं है और ना ही कोई रिन्यूअल कराया गया है, ना ही आय व्यय के बारे में कोई ब्यौरा दिया गया है। हमने उनको ये भी एक रिक्वेस्ट की थी कि आय व्यय की जांच की जाए। माननीय रजिस्ट्रार साहब ने करीब 3 से 4 बार एक लेटर लिख चुके हैं, जो कि गुरुद्वारे की कमेटी के अपने आप को अध्यक्ष कहते हैं माननीय ज्ञानी हरनाम सिंह खालसा जी को, कि हमें स्पेशल ऑडिट कराना है, कृपया करके आप अपने जो भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बैलेंस शीट है वो सबमिट कराइए ताकि हम उचित तरीके से स्पेशल ऑडिट करा सकें। लेकिन आज तक कोई भी वहाँ डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराया गया है। अब मैं दस रहे हैं, मैं दस रहे हैं। और बात की होया, रजिस्ट्रार साहब ने दोनों पार्टियों को, हरनाम सिंह को भी बुलाया और इधर हमको भी बुलाया, हम वहाँ पहुँचे लेकिन उनकी पार्टी वहाँ नहीं पहुँची। हमने सारे प्रपत्र वहाँ जो आपको मैंने दिखाए माननीय रजिस्ट्रार साहब को बुलाया, फिर रजिस्ट्रार साहब ने हमारे को 2 या 3 बार बुलाया कि आप पत्र लेके आइए, लेकिन वहाँ पर उन्होंने कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया। फिर एक मीटिंग हमारी माननीय डीएम साहब के साथ फाइनल हुई, उसमें हमने सारे पत्र दोबारा उनको दिखाए और वहाँ पर डीएम साहब ने रजिस्ट्रार साहब को बोला कि आप यहाँ पर इलेक्शन कराकर यहाँ पर सुचारू रूप से इस प्रोग्राम को कराया जाए। लेकिन जब
वहाँ पर लेटर सारे इशू हो गए, उसके बाद भी इलेक्शन की कोई हमें कार्रवाई नहीं दिखती हुई। हम फिर दोबारा हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट साहब के पास गए। माननीय हाईकोर्ट ने हमारी पूरी बात सुनी, हमारे सारे पत्र देखे और 29 फरवरी 2024 को माननीय हाईकोर्ट ने आदेश दिए कि उन्होंने एडिशनल मजिस्ट्रेट रुद्रपुर को एज ए रिसीवर नियुक्त करते हुए उनको आदेश दिए कि विद इन ए 2 मंथ्स दुर्गापुर की जो भी वोटर लिस्ट है उसको फाइनल किया जाए और उसके बाद विद इन ए 6 मंथ वहाँ के इलेक्शन कराकर कमेटी का दोबारा गठन किया। जब कोर्ट ने एक रिसीवर नियुक्त कर दिया है, जब कोर्ट ने एक रिसीवर नियुक्त कर दिया है और जब हमारी एडीएम साहब के साथ बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि जो भी डिस्प्यूटेड पार्टी है या जो भी दोनों पक्षों में इन्वॉल्व बनते हैं वो उनका कोई इंटरफेयर नहीं रहेगा। जब आपको पता है कि दोनों पार्टियों का कोई इंटरफेयर नहीं रहेगा तो वो वहाँ पर गुरुद्वारे में आकर स्टेज पर बैठे, वहाँ पर आक्रोश हुआ। आपने वीडियो सामने देखी है कि कैसे उनके बंदे आके सामने खड़े हुए और वहाँ पर जो कि हमारे प्रधान जी हैं अमनदीप कौर, उन पर हमले हुए। हमारे यहाँ पर एक जो प्रधान जी के फादर साहब थे उनका सर भी फटा है और भी बहुत लोगों के साथ उन्होंने मारपीट की है। बड़ा ही दुख का विषय है, इतनी बड़ी जगह शीशगंज गुरुद्वारा, सारी दुनिया में जिसका नाम है, वहाँ के हेड गंती द्वारा अगर ये कार्य किया जा रहा है तो हम जैसे लोगों के द्वारा हमारे से क्या एक्सपेक्ट करोगे आप। तो हमारा सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि दुर्गापुर के मैटर को जल्दी से जल्दी इलेक्शन कराकर नई कमेटी बनाकर इस विषय को ख़त्म किया जाए और इसका हल निकाला जाए और माननीय हरनाम सिंह जी को वहाँ से सस्पेंड किया जाना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा जैसे कि माननीय जगजीत सिंह ने और अध्यक्ष साहब सरना जी ने भी बोला है कि वो हमेशा ही जो भी अधिकारी या जो पॉलिटिकल लोग हैं उनकी फ़ोटो दिखाकर सबको डराते हैं, धमकाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आप एक ऐसी जगह बैठे हुए हो जहाँ पर सिर्फ भगवान का नाम लिया जाता है। मेरा तो मानना यह है जैसी जगह वो बैठे हैं और सारा दिन गुरु ग्रंथ साहब में अपना सारा दिन वाणी पढ़ते हैं, उनके अंदर तो इतना ठहराव होना चाहिए, वो उनको खुद आना चाहिए थे कि इलेक्शन कराना है, कराओ इलेक्शन और कमेटी बनाओ, दूसरी कमेटी बनाकर इसका संचालन उसको देना चाहिए। यह विषय यहाँ तक पहुँचना ही नहीं चाहिए था। मैं तो अभी तक समझ नहीं पा रहा हूँ कि ऐसे विद्वान लोग अगर ऐसा कर रहे हैं तो एक साधारण व्यक्ति से आप क्या आशा करते हैं। तो मैं दोबारा फिर यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ गुरुद्वारे के इलेक्शन कराकर और इसकी कमेटी का नया गठन कर सुचारू रूप से किया जाना चाहिए, जिससे कि दोबारा फ्यूचर में कभी भी ऐसी घटना कोई घटित ना हो।